और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे हैं कोनेश्वर मंदिर। बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मंदिर में श्रमदान किया है। बड़ी खबर मिल रही है, प्राण प्रतिष्ठा से पहले चल रहा है स्वच्छता अभियान, जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया है। और सभी तीर्थ स्थानों मंदिरों में सफाई का विशेष अभियान पीएम मोदी के आह्वान पर चल रहा है, उसके तहत 22 जनवरी तक ये स्वच्छता अभियान चलेगा। तो बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कोनेश्वर मंदिर पहुंचे हैं। मंदिर में उन्होंने सफाई अभियान में हिस्सा लिया है, स्वच्छता का एक संदेश दिया है उन्होंने, और इसके बाद कोनेश्वर मंदिर में दर्शन किए, पूजन किया है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस दौरान श्रमदान किया है, स्वच्छता का संदेश दिया है। और ये देखिए तस्वीरें, मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाते हुए भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया, स्वच्छता का संदेश दिया, श्रमदान किया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले विशेष स्वच्छता अभियान चल रहा है, सभी तीर्थ स्थानों धार्मिक स्थलों मंदिरों में ये विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, और 22 जनवरी तक ये विशेष अभियान चलेगा, जिसके तहत बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कोनेश्वर मंदिर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कोनेश्वर मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया, अभियान में हिस्सा लिया।